बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज मैं बना रहा हूं बहुत ही ज़बरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट चिकन क्लब सैंडविच, जिसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। क्लब सैंडविच बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं ब्रेड स्लाइसेस, लार्ज वाले लेने हैं आपने। 2 चिकन फिलेट्स मैंने लिए थे, उसको बॉयल किया, बॉयल करते वक्त थोड़ा सा नमक डाला था और उसको फिर शेड कर लिया है मैंने स्मॉल पीसेस में। मायनीज यूज़ करूँगा मैं, एग्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, सैलड लीव्स, टोमेटो, कुकम्बर और चीज़ स्लाइसेस। तो सबसे पहले श्रेडेड चिकन में सॉल्ट और ब्लैक पेपर आप डालेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून दोनों के लिए हैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून जो है वो मायनीज़ मैं इसमें यूज़ करूँगा। मुझे मायनीज़ इतना ज़्यादा पसंद नहीं है चिकन स्प्रेड के अंदर, इतना ज़्यादा मुझे लेसदार नहीं पसंद। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मायनीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद ये सारे तीनों इंग्रेडिएंट्स चिकन में मिक्स कर लें अच्छे तरीके से कि एक जान हो जाएगी। ये देखें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है और ये मेरा चिकन स्प्रेड तैयार हो चुका है। अब जो है वो अंडे की प्रिपरेशन करते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक और मामूली सी ब्लैक पेपर भी मैंने ऐड की है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसको फ्राई कर लें। ये देखें अब अंडा मेरा फ्राई हो रहा है। और अगर आप लोग इसको थोड़ा सा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फूड कलर भी अंडे में आप ऐड कर लें, ताकि बच्चे अगर शौक से खाना चाहें तो फिर वो शौक से खाएंगे। फूड कलर डालने के बाद इसका कलर जो है थोड़ा येलो या ऑरेंज, जो भी आपको सूट करे। ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर कट कर लें ताकि आपको जो आपका डिज़ायर्ड साइज है स्लाइस का, ये बहुत बेहतरीन साइज आ गए स्लाइसेस हमारे। पैन को जो है मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है और सबसे पहले एक स्लाइस इसको थोड़ा सा मैं गरम कर लूँगा दोनों साइड से। अब सबसे पहले जो स्लाइस के ऊपर वो आएगा आपका चिकन स्प्रेड, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप इस पर लगा दें फर्स्ट स्लाइस पे अपने। चिकन स्प्रेड के ऊपर आप अपने खीरा इस तरीके से डेकोरेट करें अच्छा, और देन अगेन एक स्लाइस। उसके ऊपर थोड़ा सा मायनीज और इसको इस तरह स्प्रेड कर दें। और फिर अंडा आएगा ऊपर, देन अगेन वन स्लाइस। और फिर आपका चीज स्लाइस, सैलड लीव, टोमेटो एंड देन द लास्ट स्लाइस।
पैन को थोड़ा सा ग्रीस कर लें और उस अपना सैंडविच जो है वो दोबारा पैन पे थोड़ा सा इसको गरम करना है। थोड़ी देर बाद इसकी साइड भी आप पलट लें। जब आप साइड इसकी चेंज करेंगे तो बड़े एहतियात से करनी पड़ेगी, कहीं आपके सारा जो है वो सैंडविच ऊपर नीचे ना हो जाए। और इसको तकरीबन 30 सेकेंड देना होंगे। सो दोस्तों, ये मेरा बहुत ही ज़बरदस्त क्लब सैंडविच तैयार है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग भी ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका सैंडविच कैसा बना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज एंड शेयर इट ऑन योर वॉल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।